हेलो एवरीबॉडी द टॉपिक ऑफ़ दिस वीडियो इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डकैती इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि रॉबरी एंड डकैती में क्या डिफरेंस है इन दोनों में क्या अंतर है तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि द डेफिनेशन ऑफ रॉबरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन थ्री ऑफ द इंडियन पिनल कोड एटीन सिक्सटी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन थ्री में रॉबरी को डिफाइन किया गया है ऑन द ऑर्डर हैंड डेफिनेशन ऑफ डी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन थ्री नाइन्टी वन ऑफ द इंडियन पिनल कोड इंडियन पिनल कोड के सेक्शन थ्री नाइनटी वन में डकाइटी को डिफाइंड किया गया है ओके रॉबरी इज ए लेस सीरियस ऑफेंस दैन डोका रॉबरी जो है वो एज कंपेरिजन टू डोका लेस सीरियस इन नेचर है ऑन द ऑर्डर हैंड डोकती है वो मोर सीरियस इन ने रॉवरी कैन बी कमिटेड बाई वन पर्सन कोई एक व्यक्ति भी रॉबरी कर सकता है जबकि डॉकयती को करने के लिए डोक फॉर्म करने के लिए मिनिमम पांच या पांच से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है इन डोकैती देयर शुड बी फाइव और मोर एक् कलेक्टिवलीके और फोर्थ पॉइंट क्या है इन ऑल रॉबरी देर इज आइदर थैप्ट और एक्सटोर्सन जितनी भी रॉबरी है उसमें आइदर थैप्ट होता है या फिर एक्सटोर्सन होता है तो वैन थैप्ट इज रॉबरी जब चोरी जो है वो रॉबरी हो जाता है तो कौन कौन केसेस में चोरी जो है वो रॉबरी हो जाएगा पहला क्या है थैप्ट इज रॉबरी चोरी जो है वो रॉबरी हो जाएगा इफ अगर इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू बी कमिटिंग ऑफ द थैप्ट और इन committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft the offender जब चोरी किया जा रहा था या जब चोरी का माल जो है वो ले जाया जा रहा था उस समय अगर ऑफेंडर जो अपराधी जो है वो for that and voluntary causes or attempt to cause to any person death वो जो है किसी भी व्यक्ति को मीन्स वहाँ पे जो लोग मौजूद है जो विक्टिम जो है उसे मार देता है या फिर उसे हर्ट कर देता है या उसे रॉन्गफुल री करके रखता है या उसे जान से मारने का धमकी देता है या फिर हर्ट करने का धमकी देता है या फिर रॉन्गफुल फुल करने का धमकी देता है तो इस केस में ऐसी चोरी जो है वो रॉबरी हो जाते हैं ओके okay और हर्ट और रॉन्ग फुल रेस्टेंट और ऑफ 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 इंस्टेंट 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 डेट और और हर्ट ओके अब समझते हैं कि जब एक्सटोर्सन जो है वो रॉबरी हो जाएगा वेन एक्सटॉर्सन इज रॉबरी एक्सटॉर्सन इज रॉबरी एक्सटोशन जो है वो रॉबरी हो जाएगा इफ द ऑफेंडर अगर ऑफेंडर जो है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटोर्सन जब वो एक्सटॉर्सन कर रहा होगा उस समय इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर वो व्यक्ति के प्रेजेंस में रहेगा मीन्स वहाँ पे जो है आ, विक्टिम भी रहेंगे और जो एक्यूज पर्सन भी रहेगा और जो पर्सन जो है वो क्या करेगा उसे भय दिलाएगा पुट इन फियर एंड कमिट द एक्सटोर्सन बाई पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेट उसे जान से मारने का धमकी देगा या फिर उसे हर्ट करने का धमकी देगा या फिर उसे रॉन्गफुल रिजिस्टेंट करने का धमकी देगा टू डेट पर्सन और टू सम अदर पर्सन अदर उस व्यक्ति को या फिर किसी और व्यक्ति को एंड बाई सो पुटिंग इन फेयर इंड्यूसेज द पर्सन सो पुट इन फेयर देन एंड देयर टू डिलीवर अप द थिंग्स एक्सटोर्टेड उसके बाद जो है उससे उसका प्रॉपर्टी ले लेता है उसको भय दिलाकर तो ऐसे एक्सटोर्सन को भी रॉबरी कहा जाएगा ओके okay. अब डकैती को क्या कहेंगे फोर्थ पॉइंट में देखिए रॉबरी एंड डकैती में एक ही डिफरेंस मेन जो डिफरेंस क्या है वो है कि रॉबरी में है नंबर ऑफ़ पर्सन जो होते हैं नंबर ऑफ ऑफेंडर जो होते हैं वो वन टू फोर होता है और डकैती में पाँच या पाँच से ज़्यादा अगर पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग हैं तो ऐसे केसेस क्या हो जाएंगे ऐसे रॉबरी जो है वो क्या हो जाएंगे डकैती हो जाएंगे ओके okay. तो वैन फाइव और मोर पर्सन जब पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग कौन जॉइंटली तो कमिट और अटेम्प टू कमिट और रॉबरी वो रॉबरी करते हैं तो ऐसे रॉबरी को क्या बोलेंगे डकैती बोलेंगे ओके वे आर द होल नंबर ऑफ पर्सन कॉन्जॉइंटली कमेटिंग और अटेम्प टू कमिट और रॉबरी एंड प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन अमाउंट टू फाइव और मोर एवरी पर्सन सो कमेटिंग अटेम्पटिंग इज सेट टू कमिट डोकैती है कि रॉबरी एंड डोकैती का जो पनिशमेंट है वो किस सेक्शन में है पनिशमेंट फॉर द कमीशन ऑफ रॉबरी इज गिवेन अंडर सेक्शन 392 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 392 में रॉबरी का पनिशमेंट दिया गया है ऑन द अदर हैंड इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 395 में डोकैती का पनिशमेंट दिया गया है पनिशमेंट क्या है ये पॉइंट सिक्स में है पनिशमेंट फॉर रॉबरी रॉबरी का पनिशमेंट क्या है पनिशमेंट फॉर रॉबरी इज हु कमिट्स रॉबरी कोई भी व्यक्ति जो रॉबरी करता है सेल उसे पनिशमेंट दिया जाएगा विथ रिग्रस रिग्रस इंप्रीजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू टेन ईयर्स जिसका सज़ा जो है वो दस साल तक का होगा कोई भी व्यक्ति जो है जो रॉबरी कर रहा है तो उसे पनिशमेंट जो है वो दस साल तक का मिलेगा विच में एक्सटेंड विच में एक्सटेंड टू टेन ईयर्स एंड सेल ऑल्सो भी लाइवल टू फाइन और उसे फ़ाइन भी मिल सकता है तो दस साल तक की सज़ा और फाइन ओके एंड इफ द इफ़ द रॉबरी इज़ कमिटेड ऑन द हाईवे बिटवीन सन सेट एंड सनराइज अगर रॉबरी हो रहा है हाईवे में बिटवीन सन सेट एंड सन राइज तो उस केस में जो पनिशमेंट क्या होगा द इम्प्रिजमेंट में भी एक्सटेंडेड टू फोर्टीन ईयरस तो इस केस में जो है इम्प्रिजमेंट मिलेगा सजा जो मिलेगा वो चौदह साल तक का मिलेगा ओके ऑन द अदर हैंड डोका में पनिशमेंट क्या है पनिशमेंट फॉर डोकाटी इज हु कमिट डोकाइटी शेल बी पनिश विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद रिग्रस इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू टेन ईयर्स एंड सेल ऑल्सो भी लेबल टू फाइन कोई भी व्यक्ति जो डोकैती करता है उसे सजा क्या मिलेगा शैल बी पनिश विद एम्प्रजमेंट फॉर लाइफ उम्र कैद तक का सजा या फिर रिग्रस इम्प्रिजमेंट कब तक दस साल तक और फाइन ओके okay. सेवेंथ पॉइंट में क्या दिया गया है द ऑफेंस ऑफ रॉबरी इज़ ट्राइवल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उसके यहाँ पर मन वो जो है उन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बेंच में जो है रॉबरी का ट्रायल होता है मीन्स वहाँ जो है ये केस चलता है रॉबरी का केस जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बेंच में चलता है ऑन द अदर हैंड डकैती का जो केसेस है वो सेशन कोर्ट में चलता है द ऑफेंस ऑफ डकैती इज़ ट्राइवल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक मैंने जितने भी अपना वीडियो बनाया है उसका पी फॉर्मेट जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय and Happy New Year.